हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए और इंग्लिश टू हिंदी शॉर्ट स्टोरी वीडियो में, जो कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीका माना जाता है। तो आज की हमारी स्टोरी है दो मित्र और एक भालू। देयर लिव्ड यानी रहते थे टू फ्रेंड्स इन ए विलेज। देयर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को हम आखिर से बनाएंगे। इन ए विलेज, एक गाँव में टू फ्रेंड्स, दो मित्र, यानी एक गाँव में दो मित्र रहते थे। वन ऑफ देम यानी उनमें एक। One of them was fat, उनमें एक मोटा था। And the other was lean and thin, lean and thin यानी दुबला और पतला। Once they set out in search of job, तो full sentence हिंदी में बनता है, उनमें एक मोटा था और दूसरा दुबला पतला। Once they set out in search of job, once यानी एक बार। They set out in search of job, सर्च ऑफ जॉब यानी नौकरी की तलाश, और सेट आउट यानी निकले, यानी फुल सेंटेंस क्या बनता है, एक बार वे नौकरी की तलाश में निकले। दे वेयर गोइंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे हमें न्यू वर्ड क्या मिलता है, डेंस फॉरेस्ट। डेंस यानी घना, फॉरेस्ट यानी जंगल, घना जंगल। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पे गोइंग थ्रू का अर्थ हुआ गुजर रहे थे, यानी वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। इन द मीन टाइम यानी उसी बीच, दे सा ए बियर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दे सा यानी देखें, ए बियर यानी ए बियर यानी एक भालू। तो फुल सेंटेंस क्या बनता है, उसी बीच वे एक भालू देखें। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आते हैं स्टोरी पर। द लीन एंड थिन मैन क्लाइम्ड अप द ट्री वेरी क्विकली। लीन एंड थिन मैन यानी दुबला और पतला व्यक्ति क्लाइम्ब यानी चढ़ना, क्लाइम्ब यानी चढ़ गया। अप द ट्री वेरी क्विकली यानी बहुत तेजी से या तुरंत ही, एक ही बात है। तो फुल सेंटेंस क्या बना, दुबला और पतला व्यक्ति तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़ गया। ही लेफ्ट यानी छोड़ दिया द फैट मैन इन ट्रबल। ही यानी उसने, लेफ्ट यानी छोड़ दिया द फैट मैन मोटे आदमी को इन ट्रबल, ट्रबल यानी मुसीबत। यानी सेंटेंस क्या बनता है, उसने उस मोटे आदमी को मुसीबत में छोड़ दिया। द फैट मैन ले डाउन ऑन द ग्राउंड लाइक ए डेड बॉडी। द फैट मैन यानी मोटा आदमी ले डाउन यानी नीचे लेटा, ऑन द ग्राउंड लाइक ए डेड बॉडी यानी जमीन पर, लाइक ए डेड बॉडी मरे हुए यानी मृत शरीर के समान। तो फुल सेंटेंस इसका क्या बना हिंदी में, मोटा आदमी मुर्दे की तरह जमीन पर लेट गया। ही न्यू दैट यानी वह जानता था कि द बियर नेवर अटैक द डेड बॉडी। अटैक यानी हमला करना या आक्रमण करना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, द बियर नेवर अटैक द डेड बॉडी। तो इस फुल सेंटेंस को हम हिंदी में कहेंगे, वह जानता था कि भालू मुर्दे पर आक्रमण नहीं करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द बियर केम एंड कंसीडरिंग हिम द डेड ही लेफ्ट हिम। द बियर केम यानी भालू आया, एंड कंसीडरिंग यानी समझकर, हिम यानी उसको, द डेड यानी मुर्दा या मरा हुआ। ही लेफ्ट हिम यानी उसे छोड़ दिया। भालू आया और उसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया। देन यानी तब, हिज फ्रेंड क्लाइम्ड डाउन द ट्री। क्लाइम्ड डाउन यानी नीचे उतरा, द ट्री पेड़ से, यानी तब उसका दोस्त पेड़ से नीचे उतरा। ही आस्क्ड हिज फैट फ्रेंड्स What did the bear whisper in your ear? Whisper यानी फुसफुसाना। एक बार फिर से, he asked his fat friend, उसने अपने मोटे दोस्त से पूछा, What did the bear whisper in your ear? भालू ने तेरे कान में क्या फुसफुसाया यानी कहा। और स्टोरी का आखिरी सेंटेंस, द फैट मैन रिप्लाइड, द बियर सेड दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड। द फैट मैन रिप्लाइड, फैट मैन यानी मोटे आदमी ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया। द बियर सेड दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड। द बियर सेड दैट यानी भालू ने कहा, वी शुड नॉट ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड, यहाँ पे शुड का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ आप जानते हैं, चाहिए के अर्थ में किया जाता है। वी शुड नॉट ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड
यानी झूठे दोस्त का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फुल सेंटेंस क्या बनता है? मोटे आदमी ने उत्तर दिया, भालू ने कहा कि झूठे दोस्त का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।